तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, रेडमी का मोबाइल फ़ोन है। ये रेडमी का 7A मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें चार्जिंग की समस्या है, कि मतलब मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चेक करेंगे, आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, ताकि जितने भी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके पास अगर ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या को कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन है सभी मोबाइल फ़ोन का प्रैक्टिकली वीडियो आपको देने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। आईसीयू के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी दी, बहुत वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिया और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आया है, बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन को सबसे पहली बात, इस मोबाइल फ़ोन को हम लोग खोलेंगे। इस मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे, इसका बॉडी खोलेंगे, बॉडी आराम से धीरे धीरे खोलेंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, ताकि बॉडी टूटना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, कटना फटना नहीं चाहिए। ये हमारा फ़ोन खुल गया। अब इसके बाद हम लोग इसका पीछे का जो पेज खोलेंगे, सबसे पहली बात पीछे के स्क्रू हमने ओपन किया। स्क्रू हम इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा यूआई का पत्ता लगा है। मैं आपको वोल्टेज वोल्टेज सब कुछ पूरा चेक करके बताता हूँ। ये हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन को पूरा खोल लिया है, और मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद ये हमारा बोर्ड है। इस हम लोग यूआई का जो पता है इसको ओपन करेंगे। ये खुल गया आपका, ये आपका रिंगर लगा हुआ है, ये देखेंगे यूआई का ये पता लगा हुआ है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आप जो इसका एंटीना का वायर है, इस एंटीना वायर को ओपन कर लेंगे। ये आपका नीचे का यूआई से लेकर के ऊपर तक का लिए जो पत्ता गया, आप उस पत्ते को ओपन करेंगे। पत्ता ओपन करने के बाद मैं आपको ऊपर का भी बोर्ड खोल करके बता देता हूँ और आपको पूरा चेक करा देता हूँ। हम लोगों ने इसको पूरा खोल दिया है। ये हमने खोल लिया है। खोलने के बाद सबसे पहली बात हम लोग यूआई को चेक करेंगे। इसका जो नीचे का यूआई का पता दिया हुआ है, इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। ये यूआई ख़राब हो जाता है जिस कारण से चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूआई को पहले खोलेंगे। यूआई के अंदर ये जो सप्लाई की यहाँ पर पिनें होती हैं, इन पिनों में हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज आता है, इसकी सप्लाई यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर, कैपेसिटर से होते हुए इस पत्ते पर आती है। पत्ते के माध्यम से ये सब पत्ता कनेक्ट हो जाता है। सब पत्ता कनेक्ट होने के बाद ये सप्लाई आपके मेन बोर्ड में ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर वी बस का पॉइंट है। काहे का पॉइंट है, वी बस का पॉइंट है। इस पॉइंट तक करंट आता है 5 वोल्ट, तब आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी चार्ज होना चालू होती है। हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा खोलते हैं, लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा कार्बन भरा हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा सफ़ा कर लेते हैं। शायद इसी की वजह से ना चार्जिंग हो रही हो, क्योंकि जब तक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से करंट नहीं जाएगा तो हमारे मोबाइल फ़ोन में सप्लाई नहीं जाएगी, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या आ जाएगी। देखिए देखो कितना सारा कार्बन भरा हुआ है, देखो देखो। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से लगाएंगे। फिर से लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस यूआई पत्ते को लगा देंगे। उसके बाद हम लोग मोबाइल फ़ोन में चार्जर लगाएंगे।
और चार्जर से इसको चेक करेंगे। जैसे चार्जर लगा हुआ है, इस चार्जर को इसको लगा देंगे। चार्जर से लगाने के बाद इसको हम लोग को क्या करना है, चेक करना है ऐसे। इसके बाद फिर हम लोगों ने इस पे लगा दिया। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है, कहाँ पर सेट करना है, 20 वोल्ट पे सेट करना है। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद इसके एक पिन को ग्राउंड पर लगाएंगे, दूसरे पिन को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज बताएगा, ये देखिए कितना वोल्टेज बता रहा है, 5 वोल्ट। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट बता रहा है, तो 5 वोल्ट करंट बताने का मतलब क्या होता है, इससे आपके 3 बातें क्लियर होती हैं। एक तो पहली बात तो ये क्लियर होती है कि आपका चार्जिंग का UI सही है, पत्ता सही है, यहाँ से लेकर के पत्ता करंट ऊपर तक वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज जा रहा है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट करंट ऊपर आ रहा है, मतलब बैटरी चार्ज होना चाहिए। ठीक। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि जिसके कहाँ से कार्बन हो, जिस कहाँ से बैटरी ना चार्ज हो पा रही हो, तो मैं इसको हटाता हूँ, आपको साफ सुफ किया है। मोबाइल फ़ोन में बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें कार्बन आ जाता है, जिसके कारण से जनरली ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। लगा दिया। लगा देने के बाद उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और देखेंगे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखें, ये मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग चालू हो गई। अभी मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, बैटरी डीप में जाने की वजह से मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब तक पूरा आएगा नहीं, तब तक इंडिकेटर नहीं आएगा। मतलब फिलहाल मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की सप्लाई चालू हो गई। इस तरह से हम लोग मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम हम लोग चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको और भी आगे बता देता हूँ। ये आपको जब यहाँ पर आप चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, जितने भी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल से आप जुड़े रहें, आपको और भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कितना वोल्टेज करंट आ रहा है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आने से आपको ये पता चल गया कि चार्जिंग की सप्लाई सही है। उसके बाद फिर हम लोग सप्लाई चेक करते हैं वी बैट में, कितना चेक करते हैं वी बैट में। वी बैट में यहाँ पर चेक करते थे, यहाँ पर 4 वोल्ट करंट आता है, किसी किसी में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि जब बैटरी लग जाती है तब वोल्टेज आते हैं। कब वोल्टेज आते हैं दोस्तों, जब बैटरी लग जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ रहा है, मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा था। और जैसे हम लोगों ने जैक में कार्बन साफ किया, खोल करके साफ सूफ किया, और हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना चालू हो गई, या जैक बदल देते तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। देखिए तो इस तरीके से तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे चेक करेंगे और चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने का तरीका क्या होता है। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में से इस तरीके से चार्जिंग के लिए जो सप्लाई आती है, सबसे पहली बात कहाँ पर आती है, इस कनेक्टर पर आती है। इस कनेक्टर के माध्यम से कहाँ पर जाती है, सब पत्ते पर जाती है, सब पत्ते के माध्यम से ऊपर जाती है। और ये आपका वी बस पॉइंट दिया होता है। कौन सा पॉइंट दिया होता है दोस्तों, वी बस पॉइंट। ये वी बस पॉइंट जो होता है, इसी पे 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं आता, तो मैं आपको स्टूडेंट जितने भी सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नीचे UI पत्ते से लेकर के ऊपर वी बस पॉइंट तक जंपर मार देंगे, या चार्जिंग का जो प्लस का पॉइंट हो, प्लस के पॉइंट से लेकर के वी बस के पॉइंट तक, यहाँ तक जंपर मार देंगे, तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में 5 वोल्ट करंट ऊपर आ जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि मोबाइल फ़ोन में रेडमी का जो 7 है मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में यदि चार्जिंग की समस्या आती है, तो चार्जिंग की समस्या को हम लोग कैसे चेक करते हैं, वी बस पॉइंट क्या होता है, वी बैट पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो देखिए, इस मोबाइल फ़ोन में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसको हम लोगों ने समझा है, इसको चेक किया है। इसी तरीके से मेरे पास जो भी सारे स्टूडेंट लोग आते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं, जो लोग इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं, जीरो हैं, अगर वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सभी लोगों को फुल डे ट्रेनिंग देते हैं, पूरा दिन क्लास चलता है, पूरा बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन, टैबलेट्स, ओप्पो, वीवो, जितने भी कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, सभी कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना सीखते हैं। अब हम लोगों ने इसके ये जो पत्ता जो है, इस पत्ते को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है।
ये हमने मोबाइल फोन को पूरा पैक कर दिया है। और ये हमारे पास दोबारा हम लोग चेक करते हैं, ये देखिए ये मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों जितने जो भी स्टूडेंट लोग आते हैं, जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अगर कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आकर के कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पूरा टोटल 45 डेज़ का पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। जितनी भी सारे स्टूडेंट जो लोग बाहर से आते हैं सीखने के लिए, वो यहाँ पर रह करके सीख सकते हैं और यहाँ पर रहने के सारे बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था है, आराम से रह सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों को पूरा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना आपको बताया जाता है। और ये सबसे पहली बात क्या है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है मार्केट में है, मार्केट में होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो ऐसे ढेरों मोबाइल फ़ोन, अगर आप देखेंगे सर आप दिखाइए ज़रा सारे बच्चों को, इस तरीके से बहुत सारे ढेरों मोबाइल फ़ोन होते हैं। ये सारे मोबाइल फ़ोन रिपेयर होने के लिए आते हैं, किसी मोबाइल फ़ोन में कोई कमी है, किसी मोबाइल फ़ोन में कोई कमी है, सब लोग अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर के लिए छोड़ जाते हैं। तो हम लोग उस मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं, जब उस मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं तो मोबाइल फ़ोन ठीक कर करके ले जाते हैं। हम लोग उससे कोई पैसा कोई खास चार्जेस नहीं लेते, इसलिए लेते ताकि हमारे जो बच्चे लोग होते हैं उस मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं, जिससे उनका हाथ साफ़ होता है, तरीका पता चलता है काम करने का, एक आइडिया लगता है कि मतलब मोबाइल फ़ोन कोई भी आएगा तो ख़राब होगा तो उसको आप लोग कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ट्रेनिंग देने का पूरा सिद्धांत और प्रिंसिपल है। और अगर आप पूरी कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो, कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कैसे सीखा जाएगा, क्या तरीका होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और नीचे स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी। और अगर आप खुद क्लास लेते हुए क्लास चलते हुए देखना चाहते हो तो कभी भी दिन में किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हैं और क्लास देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कैसे एक एक करके सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं, कैसे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।